क्या आप दूसरे की वीडियो डालते हैं? क्या आप कॉपी पेस्ट करके वीडियो डालते हैं? क्या आप डायलॉग चेंज करके वीडियो डालते हैं? क्या आप स्टेटस की वीडियो डालते हैं? क्या आप सीरियल की वीडियो डालते हैं? या फिर आप दूसरे का वीडियो लेकर अपनी आवाज में वीडियो डालते हैं? और आपके मन में अगर डाउट है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, और अगर चैनल मोनेटाइज होगा तो कैसे होगा, और अगर मोनेटाइज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सब चीजें अगर आपके सवाल हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। मैं आपको स्पष्ट बताने वाला हूं, एक चैनल पर लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। यूट्यूब पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको निकल प्रभाकर इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, वीडियो कॉल करना है, और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपके चैनल को मोनेटाइज कराएंगे। आपको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहां देखेंगे इनके चैनल, एक चैनल मैंने ओपन कर रखा है। इस चैनल पर कमाई करें पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखकर आया फिर से की गई इस्तेमाल सामग्री, और यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपील की वीडियो कर सकते हैं। अपील की वीडियो जो कर सकते हो 25 जून के पहले पहले इस चैनल पर अपील की वीडियो हमें सबमिट करनी है। अब आपके मन में दो तीन सवाल होंगे कि अपील अगर हमने नहीं किया तो हमारे चैनल पर क्या होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपील नहीं किया तो आपके चैनल पर कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका चैनल वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, बस मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि अपील करोगे तो हो सकता है मोनेटाइज हो जाए। तो अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अपील अगर नहीं करूं, डायरेक्ट रीअप्लाई करूं, जो गड़बड़ी हो मैं समझ कर सही करके फिर अप्लाई करूं तो क्या अप्लाई होगा? यस, डेफिनेटली अप्लाई होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे तब आपके चैनल पर अच्छे से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, अगर आप उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हो तब यूट्यूब को। चलिए जी, ये आपको समझ में आ गया, अपील करके अपील नहीं किया या किया तो क्या होगा। अब अपील अगर करना है तो सबसे पहले अपील पर ऐसे क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ यहां पर डिटेल लिखी हुई है जो कि मैं आपको बता देता हूं, आपको बताते हुए चल रहा हूं, आपके चैनल के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर 25 जून लिखा हुआ है यहां पर, अगर 25 जून लिखा है तो आपको 24 जून के पहले पहले ही वीडियो अपलोड करनी है, ये ध्यान रखना, ये 25 जून तक मत जाना, क्योंकि 25 जून जैसे रात को 24 जून को रात को 12 बजे जैसे 12 बजेगा आपका वो अपील वाला ऑप्शन चला जाएगा, ये ध्यान रखना, 25 जून का वेट मत करना, अपील करना है अगर तो आपको, जिस जो डेट आपके चैनल पर दिख रही है वो डेट का वेट मत करना, एक दिन पहले ही आपको ये सारा काम करना है। पहला काम, आपको कुछ जो आपको अपनी वीडियो बनानी है उस वो वीडियो कैसे किस लैंग्वेज में बनानी है यहां पर लिखा हुआ है, आपको जो वीडियो बनानी है वो लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। हिंदी लैंग्वेज में अपील करने वाली वीडियो आप बना सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में बनाइए, आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए, आप बंगाली लैंग्वेज में बनाइए, आप बना सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, वीडियो का ऑडियो यहां दी गई भाषा में हो, अगर ऑडियो किसी अन्य भाषा में है तो जरूर उसके सबटाइटल अंग्रेजी में हो, वह आप अपने आप जनरेट ना हुए हों, और हां, आप अगर इंग्लिश, हिंदी, बंगला यानी बंगाली लैंग्वेज के अलावा अगर किसी और लैंग्वेज में आप अपील की वीडियो बनाते हो, जैसे कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, उर्दू या फिर और किसी लैंग्वेज में, तो आपको सबटाइटल देने की जरूरत है, और वो सबटाइटल एआई से जनरेटेड ना हो, ये ध्यान रखना, वो टाइटल आप खुद देख देख कर एक एक बढ़िया से बनाएंगे लिखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली लैंग्वेज में बनाओगे वीडियो, कोई सबटाइटल देने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना वीडियो के अंदर। पहली बात, अब आपको अपील वीडियो करना है, मैंने आपको ये बताया, उसके बाद आपकी वीडियो यहां पर लिखा है 5 मिनट से लंबा ना हो आपकी वीडियो, ठीक है, 5 मिनट से लंबा ना हो वीडियो आपकी। अब यहां पर लिखा है वीडियो से पहले 30 सेकंड में चैनल का यूआरएल दिखाएं या उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताऊं, आप जब भी अपील की वीडियो बना रहे हो तो आपको अपने चैनल का यूआरएल ऐसे सामने दिखाना है और बोलना है, डियर टीम यूट्यूब, ये मेरे चैनल का यूआरएल है, और ये जो बोलना है ये 30 सेकंड के पहले पहले आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हेलो डियर टीम यूट्यूब, मेरे चैनल का नाम ये है और मेरे चैनल का यूआरएल सामने दिख रहा है, बस इतना काम आपको करना है स्टार्टिंग में अपील की वीडियो बनाते टाइम, ये बोल देना है। उसके बाद यहां पर लिखा है समीक्षकों के सुझाव की जानकारी दें और हमें बताएं कि क्या गलत है और क्यों है। यहां पर सबसे पहले सिंपल सी बात है, अपील करते टाइम तो आपको यह तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा कि आप अपील क्यों कर रहे हो, अपील में क्या गलत YouTube ने किया है, और YouTube की कौन सी गलती है जिसकी वजह से अपील करना पड़ रहा है आपको, आपके चैनल पर यूज आया है, आपको यह YouTube को बताना है। अब आप YouTube को यह मत बताने लग जाना कि मैंने गलती की थी इसलिए आपने रिव्यूज भेजा है, प्लीज दोबारा से मोनेटाइज कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, आपको जस्टिफाई करना है, आपको अपने ऊपर कोई चीज नहीं लेनी, आपको YouTube को बार बार ये बताना है कि आपकी गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है मुझे, मेरे पास कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की, ये ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूं। अब उसके बाद यहां पर लिखा है विजुअल उदाहरण दीजिए, विजुअल उदाहरण दीजिए, वीडियो बनाने का तरीका, वीडियो शूट कैसे करते हैं, वीडियो में बदलाव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी, जब हम ये सारी चीजें बताते हैं तो हमारा चैनल YouTube जल्दी अपील से मोनेटाइज करता है। चलिए जी, आपको तो यहां पर मैंने बता दिया कि अपील करने से भी मोनेटाइज कर सकते हैं आप। अब आपको यहां पर मैं कंटेंट पर लेकर चलता हूं, कंटेंट पर लेकर चलने के बाद यहां पर कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, शॉर्ट की वीडियो, इनकी शॉर्ट की वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहां देख सकते हैं ये वीडियो सार्वजनिक है। अब इस वीडियो का मैं यहां पर आवाज भी प्ले करूंगा, आपको सुनाऊंगा, भले ही मेरी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए, सुनिए।
अब ये जो वीडियो आपने देखा, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, ये तो मेरे ऊपर भी लागू होता है, बट क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीज है इस वीडियो में। जो ये वीडियो है इसमें फोटो ली गई कहीं से, राइट, इसमें ऑडियो लिया गया कहीं से, राइट, सिर्फ एडिट किया गया। अब इसमें यूट्यूब कहता है वैल्यू नहीं है। अगर आपके वीडियो में वैल्यू नहीं होगा तो यूट्यूब आपके चैनल पर रियूज कंटेंट बार बार भेजेगा। मैं जस्ट एक वीडियो नहीं, इनके चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एक करके। ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये सुनिए। अब आपको जो मैंने सुनाया है इनके चैनल पर सुना देता हूं, वो दूसरे चैनल पर चल गई थी वीडियो। अब ये देखिए, ये वीडियो इनके चैनल पर सुनिए। एक गलती तो इन्होंने की ही है कि दूसरे के वीडियो डाली है, लेकिन उसपे भी एक गलती और की है इन्होंने। वो गलती क्या की मैं आपको बताता हूं। वो गलती यह है, देखिए यहां पर एक ही वीडियो दो दो बार, एक ही सॉन्ग पर दो दो बार वीडियो बना दिया है, और वो भी कॉपी पेस्ट वाला। कॉपी पेस्ट मतलब ये कि दूसरे का फोटो वीडियो लेकर और उसको मर्ज करके वीडियो बना दिया है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो प्लीज आज के बाद मत करिए। अगर ऐसा करोगे तो चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा। आप परेशान होगे, आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। आप हमेशा मेहनत करते रहोगे और बेकार में मेहनत करोगे। अपील की वीडियो भी इनके चैनल पर जब ही बनेगी, जब इनके चैनल पर जो वीडियो अपलोड की गई है वो वीडियो प्राइवेट की जाएंगी। मैं आपको यहां पर बताऊं, इनके चैनल पर देख सकते हैं इतनी सारी वीडियो यहां पर प्राइवेट हो रही है। मैंने इनको बोल दिया ये प्राइवेट कर रहे हैं। जब ये प्राइवेट कर चुके होंगे तब इनके चैनल पर अपील की वीडियो बनेगी। अब आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आया है, आपके चैनल पर अपील करने का ऑप्शन आया है, आपको समझ नहीं आ रहा कहां पर गलती कर रहे हैं आप और बार बार परेशान हो रहे हैं, आपकी अर्निंग रुकी हुई है यूट्यूब की टीम की तरफ से, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको सामने दो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इन आईडी पर आना है, लिखना है आई वांट टू पेड मेंबरशिप, आई वांट टू वीडियो कॉल। जब आप ये करोगे तो वीडियो कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है मोनेटाइज के लिए चैनल और हमें मेंबरशिप हमसे लेने के लिए, क्योंकि मेरे नाम पर फेक फर्जी फ्रॉड हो रहा है, तो उससे बचने के लिए। अब आपको यह बात ध्यान रखना है, राइट। आपने ये काम अगर कर लिया तो आपके चैनल पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो मैंने आपको बताई है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए और अच्छे से काम करिए। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो हमारा देखा।